कांगड़ा जिला के भठेड़ पंचायत के लालपुर गांव में मुस्लिम के एक प्रवासी डेरे से अपनी लड़की का निकाह करवाया। दूल्हे के साथ बराती सिर्फ 5 लोग आए हुए थे, जिनमें दूल्हे के सिर पर सेहरा और मुंह पर मास्क लगा हुआ था। अन्य बरातियों में भी मुंह पर मास्क लगाए रखे थे। प्रदेश भर में कोरोना महामारी के चलते इस शादी के समारोह में लड़की वालों की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना पूरी तरह की गई। बारात में आए लोगों को हैंड सैनिटाइजर से छिड़काव किया गया, बाद में मास्क भी वितरित किए गए। जानकारी के लिए बताते चलें कि लड़की का परिवार पंचायत जोलना चंबा से है। लड़की के पिता रोशनदीन की माने तो वे अपनी लाडली की शादी बड़े धूमधाम के साथ करना चाहते थे, परंतु इस कोरोना जैसे वैश्विक बीमारी के चलते उन्हें सादे समारोह में ही शादी करनी पड़ी, जिसमें ना तो वे गांववासियों को न्योता दे पाए और ना ही अपने रिश्तेदारों को बुलावा दे सके। प्रवासी गुज्जर रोशनदीन ने अपने डेरे से ही लड़की की शादी रचाई है। गुज्जर परिवार जो हर साल लालपुर गांव में मवेशियों को लेकर डेरा लगाते थे, लॉकडाउन के चलते शादी की सारी तैयारियों पर पानी फिर गया। निकाह की तारीख का समय निश्चित हुआ था, जिसे बदलना अपशुगन माना जाता है, इसलिए उन्होंने डेरे में ही अपनी लड़की की विदाई कर डाली। लड़की के पिता ने बताया कि मेरा एक बेटा फौजी है जो जम्मू कश्मीर में देश के लिए सेवाएं दे रहा है। वो अपनी बहन की शादी में भी शामिल नहीं हो पाया, जिससे पूरे परिवार में अफसोस है, लेकिन इस बात का फख्र है कि वो देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहा है।